एस्केलेटर से यात्रा करते समय कृपया रेलिंग पकड़े रहें। मैंने जो माइक ऑर्डर किया था ना, वो शायद से आज आ सकता है, क्योंकि कल छुट्टी है ना ईद का। आज अगर आ जाए माइक तो बहुत मजा आएगा। ऑडियो क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही थी, इसलिए व्यूज भी नहीं आ रहे थे, इसलिए एक अच्छा खासा माइक ऑर्डर किया हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज का व्लॉग मैं डायरेक्ट देखिए जयप्रकाश मेट्रो स्टेशन के नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ, एकदम नॉइज वाले जगह से। थोड़ा सा टाइम कम मिला है, फोन पे बात करते करते मैं आ रहा था, अच्छा खासा ही लेट हो गया गाइस। तो चलते हैं फटाफट से मेट्रो स्टेशन पे, ड्यूटी जाने के लिए मैं एकदम तैयार हो चुका हूँ, टिफिन वगैरह सब कुछ ले लिया हूँ। फटाफट चलते है मेट्रो स्टेशन पे। गाइस, इस वाले स्क्वायर पे मैंने व्लॉग स्टार्ट किया हूँ, बहुत ज्यादा शोर होता है यहाँ पे। लो, अभी एंट्री भी हो चुकी है अपनी। आठ बज के 6 मिनट में है गाइस हमारा मेट्रो, और अभी 8 बज के शायद से 1-2 मिनट हो रहे हैं, 3-4 मिनट टाइम है, सही टाइम पे ही पहुंचे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लेट हो गया है। फटाफट से चलते हैं, फटाफट गया, ये लिफ्ट हमें जितने टाइम पे लेके जाएंगे उतने टाइम में तो पहुंचेंगे। बस पहुंचने ही वाला हूँ गाइस, ये देखिए पहुंच भी गया हूँ प्लेटफॉर्म पे। कोई भी नहीं है गाइस, देखिए प्लेटफॉर्म पे कोई भी नहीं, एकदम मैं अकेला। मेट्रो आने में गाइस 3 मिनट बाकी है बस, और अभी टाइम देखिए 8:02 हो रहे हैं। मेट्रो स्टेशन खाली होने का आज मेन रीजन ये है गाइस कि आज है संडे, और आज सभी का ड्यूटी वगैरह बंद होता है। मेरे भी कंपनी में आज काफी सारे लोग छुट्टी मारने वाले, और ऊपर से आज शायद से हर जगह गणपति विसर्जन होने वाला है, खाना वाना रहने वाला है गणपति का, तो सभी लोग आज छुट्टी मारने वाले हैं, लेकिन मैं छुट्टी नहीं मार सकता, मुझे ड्यूटी करना ही पड़ेगा। फिलहाल मैं अभी देखिए मेट्रो स्टेशन के एकदम जबरदस्त वाले व्यू पॉइंट पे खड़ा हूँ, जयप्रकाश के स्क्वायर के एकदम ऊपर। सामने है ब्लू रेडिसन होटल। एस्केलेटर से यात्रा करते समय कृपया रेलिंग पकड़े रहें, पायदान के किनारे पर न खड़े हैं। संडे के दिन सारे लोग मस्त एंजॉय वगैरह करने निकलते हैं नागपुर में, कहीं घूमने फिरने निकलते हैं, होटल में जाते हैं, लेकिन हमें जाना पड़ता है ड्यूटी में, जाना ही पड़ेगा ड्यूटी में, क्योंकि छुट्टी नहीं मिलती है ना संडे में, हमें छुट्टी रहता है वेनसडे को, और वो भी नहीं रहता है वेनसडे को, कभी कभी नेशनल हॉलीडे के दिन छुट्टी दे देते हैं और वेनसडे के दिन छुट्टी कैंसिल कर देते हैं। हाईटेक कंपनी है ना हमारी, इसलिए। गाइस सच में देखिए प्लेटफॉर्म पे अभी भी कोई भी नहीं है, बस वो कोने में 1 से 2 लोग बैठे हैं, वो भी सीतामढ़ी आने के लिए। खापरी की तरफ 3-4 कंपनियां हैं, और यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ लगी रही थी ये कंपनी वगैरह जाने के लिए लोगों की, और एक भी लोग नहीं है। देखिए मेरे प्लेटफॉर्म पे तो कोई भी नहीं है, उस वाले प्लेटफॉर्म पे है, और देखिए सीतामढ़ी के लिए भी मेट्रो आ गई है, और खापरी जाने के लिए भी मेट्रो आ गई है। मेट्रो के अंदर भी देखिए गाइस ज्यादा लोग है ही नहीं। तो गाइज अभी मैं कंपनी जा रहा हूँ, रात भर अपन करेंगे ड्यूटी, मिलेंगे आप लोगों से सुबह 7 बजे ड्यूटी कंप्लीट करने के बाद। तो साथ में सनी भाई भी है, जा रहे हैं हम ड्यूटी, तो ठीक है भाई गाइज मिलते हैं सुबह। The next day. गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिलहाल ड्यूटी को छुट्टी हो चुकी है, और हर रोज की तरह हम तीनों भाई लोग जा रहे हैं अभी नाश्ते की दुकान पे, वहां जाके हर रोज की तरह चाय वगैरह पियेंगे। अभी जस्ट सनी भाई का हैप्पी बर्थडे होने ही वाला था, बिना बर्थडे का हैप्पी बर्थडे होने ही वाला था, केक ही कटने वाला था, लेकिन मोहित भाई ने बचा लिया केक काटने से। ट्रॉफी गिरा हुआ था गाइस रोड के ऊपर, थोड़े से हिस्से के लिए बच गया। तो चलते हैं अभी नाश्ते की दुकान पे, नाश्ता विस्ता अगर करेंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, चाय तो पियेंगे। तू चाय पी रहा ना? नहीं, वो दूध पीता है ना। लेना भाई क्या ले रहा है? तो अकेला बस अभी सनी भाई चाय पी रहा है, और ये भाई तो नहीं पी रहा है, मैं भी नहीं पी रहा हूँ, तो सनी भाई चाय पीने। खापरी से नाश्ता विस्ता करके अभी मैं आ गया हूँ मेट्रो के प्लेटफॉर्म पे, और देखिए मेट्रो भी आ गई है, और शायद से कल के सेम टाइम पे ही आज मैं पहुंचा हूँ। देखते हैं ये वाला मेट्रो निकलने में कितना टाइम है, 7 मिनट बाकी है ये वाला मेट्रो निकलने में। Next station, Jayaprakash Nagar.
मेट्रो स्टेशन पे गाइस अभी उतर गया हूँ। गाइस मैंने जो माइक ऑर्डर किया था ना वो शायद से आज आ सकता है क्योंकि कल छुट्टी है ना ईद का, हो सकता है आज आ जाए। आज अगर आ जाए माइक तो बहुत मजा आएगा, अनबॉक्सिंग वीडियो बनाना है, रिव्यू सब कुछ। फिलहाल मैं अभी मेट्रो स्टेशन से उतर गया हूँ, जा रहा हूँ मैं अपने रूम की ओर, बस थोड़े ही दूर है मेरा रूम। माइक लेना गाइज इसलिए जरूरी था क्योंकि गाइज सबसे मेन तो ऑडियो क्वालिटी होती है ना वीडियो में, तो हमारी वीडियो में ऑडियो क्वालिटी बहुत ज्यादा कम आ रही थी, मतलब एकदम ही बेकार आ रही थी ऑडियो क्वालिटी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही थी, इसलिए व्यूज भी नहीं आ रहे थे और वीडियोस चल भी नहीं रहे थे, इसलिए एक अच्छा खासा माइक ऑर्डर किया। बहुत अच्छा माइक है, आप लोगों को दिखाऊंगा मैं जरूर। फिलहाल पहुंच गया हूं मैं अपने रूम पे, मस्त धूप हो रहा है गाइस, आज चलते हैं अपन अपने रूम पे। नहा धो के मैं एकदम हो गया हूँ फ्रेश और अभी टाइम है नाश्ता करने का, तो नाश्ते में वही आप लोगों को तो पता ही है सुबह सुबह मैं क्या खाता हूँ, चना भिगो के रखता हूँ, रात में वही मैं सुबह खाता हूँ। और काफी टाइम से सेम व्लॉग आ रहा है, जो डेली रूटीन है ना मेरा, डेली रूटीन तो फिलहाल अभी सेम ही चल रहा है, तो सेम ही व्लॉग आ रहा है। तो गाइस थोड़ा सा वेट कीजिए, हमारा नया माइक आने वाला है। A few moments later. तो गाइस अभी नाश्ता वगैरह कंप्लीट हो गया है और अभी टाइम है सोने का। रोज हमारे डेली रूटीन में अभी सेम यही चल रहा है। मेरे काफी दोस्त लोग यही बोल रहे हैं कि वीडियो में कुछ अलग करना चाहिए। तो गाइज सच में वीडियो में तो कुछ अलग ही करना चाहिए, ये बात गाइज मुझे खुद पता है कि वीडियो में कुछ अलग करना चाहिए, क्योंकि रोज रोज एक व्लॉग बना के मैं आप लोगों को एंटरटेन भी नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन गाइज कैसे, 1 जनवरी को मैंने कसम खाई थी कि ये साल पूरा 365 डेज हम वीडियोज अपलोड करेंगे, सिर्फ ये साल नहीं अभी लाइफ टाइम तो अपन वीडियो अपलोड करते ही रहेंगे, लेकिन ये साल में एक भी दिन मिस नहीं करेंगे वीडियो अपलोड करना। पूरा 365 डेज चैलेंज की है कि रोज वीडियो अपलोड करेंगे और हमारा एक भी दिन मिस नहीं हुआ है अभी तक। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रहेगा। नए लोग जो भी यहां तक वीडियो देख रहे हो, आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को और सभी लोग मेरे वीडियोज को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।